to our channel, What the Fun? Sharon ki sketchbook and Rosa and hum. तो आई थिंक इतना फॉलो अप हम किसी का नहीं करते होंगे जितना हम शेरों का करते, क्योंकि 18 आवर्स पहले वीडियो आया. बात फिर से वही है कि हम कब डालेंगे वो बात अलग है. लोग बोलते हैं तुम कर लेते हो लेकिन डालते तुम हमेशा एक हफ्ते बाद हो, लेकिन हमने ले लिया सच्ची में. और हम इतने एक्साइटेड, हम इतना खुश हो जाते जब कोई रेकमेंड करने से पहले हम करते ना वो काम, उसमें अलग ही मजा. आई थिंक अभी तो वो फील चल रहा है लोगों के अंदर, यू नो इट्स लाइक रोजा चल रहा है तो लोगों को और इंटरेस्टिंग लगता है ये सब. अरे कितना रिलेटेबल लगता होगा यार. करेक्ट, कितना ज्यादा. चालू करते हैं रोजे और हम. 3 ताली नहीं मारेगी तो चालू नहीं करूंगी क्या? नहीं करेगी. इरिटेट कर रही है. This video is brought to you in collaboration with Mercus Technologies. अगर आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं with just your smartphone and zero investment, तो Mercus application is the best reselling platform for you in Pakistan. Mercus app का working model बेहद आसान है. Mercus app download करें और application में listed हजारों products में से जो products resell करने हैं उन्हें अपने WhatsApp, Facebook या Instagram pages के जरिए promote करें. जब order आए तो Mercus app के जरिए customer का नाम, पता और दीगर required details समेत order place कर दें. और सबसे कमाल बात यह है कि अपनी मर्जी के जायज प्रॉफिट सेट करें. Mercus Technologies की जानिब जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा आपका प्रॉफिट आपके जैस कैश या इजी पैसा अकाउंट में भेज दिया जाएगा. तो बेरोजगारी और महंगाई के गम को भुलाएं, ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें विद जीरो इन्वेस्टमेंट. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ये क्या कर रहा है भाई? नजर नहीं आ रहा, सामान पैक कर रहा हूँ. खैर हो गई. अब मुझसे बड़ा इबलीस तो तू है. याद नहीं है रमजान आ रहा है, कह दो रहा हूँ महीने के लिए. अरशद बेटा नमाज पढ़ ली? झूठ बोल. जी पढ़ ली है. पक्की बात है? बदतमीजी कर. बता दूं रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा. टेढ़ी है तमीज से. मैं मस्जिद जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो. जी कर रहा हूँ. क्या खामोशी करके बैठा है? लगा कोई डांस वांस, कोई आइटम सॉन्ग लगा. दफा कर उसे, मुझे ये बता मतलब कल से जा रहे हैं तो पार्टी बंद? और पता नहीं भाई, मैं तो कह दूं इद तक, मुझे नहीं पता. अच्छा तू नहीं होगा तो शायद मैं भी नेक हो जाऊंगा. अबे मुझसे बड़ा शैतान तो तू है, अब उल्टा मुझे तेरे वसवसे आते हैं. अब मुझ पे ना डाल अपने उल्टे कामों का जिम्मा. अच्छा कैद का वक्त आ रहा है तो अब डर लग रहा है? तू ही तो करवाता है सारे गुनाह मुझसे. ठीक है बेटा, कल से जा रहा हूँ, देखते हैं कितनी नमाजें पढ़ता है, कितनी गालियां देता है और कितने झूठ बोलता है. सब पता लग जाएगा. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि आप लोग को रमजान पर वीडियो का किस कदर शिद्दत से इंतजार है. लिहाजा आज की वीडियो एक बार फिर रमजान के महीने के नाम. बोल करेगा तंग, छोड़ मुझे कचूड़े. आज तो तू नहीं बचता. को नहीं मार इफ्फी, को नहीं मार. माफी मांग इफ्फी. मैं यारों कासिम के साथ अब्बा के साथ ही आना. अगर मैं अब्बा को बताऊंगा तरावी से शॉर्ट होकर स्नूकर खेलने जाते हो. हाँ मैं भी अब्बा को बता दूंगा पीछे जो तरावी के नाम पे रेसलिंग चलती है. ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तरावी चल रही है. अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दही कहाँ से लाए हो? अब्बू वही तंदूर के साथ वाली दुकान से. इससे ना लाया करो यार, फ्रॉड आदमी है, खट्टा दे दिया इसने. बस अब्बू क्या करें, चोर बाजार ही आम है आपको पता है. पराठे खत्म? कितने पराठे लाए थे? 6. एक मैंने खाया. शबाना तुमने कितने खाए? 1. मैंने भी 1. तो ठीक है ना, 3 मैंने खा लिए. शबाना लस्सी पकड़ाना. अम्मी कबाब और है बेटा, पेट अपना ही है ना. ये ले अम्मी ले आऊं. भाई किधर रह गए थे? अरे क्या हालत हुई है तुम्हारी, खैरियत है? अम्मी कल संडे पहले से मंगवा लेना, इस सहरी के वक्त कुत्ते पीछा नहीं छोड़ते मेरा. बाकी पैसे किधर हैं? कौन से पैसे, 250 दर्जन तो सिर्फ अंडे हैं. अल्लाह महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है, तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा. कर रहा हूँ अम्मी कर रहा हूँ. मरकज ऐप वाला बिजनेस बताया था ना आपको, उसके पैसे आना शुरू हो गए, बस दुआ करें. वाकई? बल्कि आमना और रियान जो सारा रोजा रील्स देखते हुए गुजारते हैं ना, इनको समझाएं 2 पैसे ये भी कमा लें. मरकज ऐप से ज्यादा कमाई की सहूलत और क्या होगी अब. ये रियान को कौन निकल आया बाथरूम से? ये अभी तक बाथरूम में 2 घंटे से कर क्या रहा है अंदर? इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है. क्या बात है, बड़ा बिजी लग रहा है. काम करने दे यार. रोजा रखे? हाँ. किधर रखे यार, तंग ना कर, चुप करके बैठ गया. तुझे तो सही रोजा लग रहा है, बस लग रहा है ना रोजा. नहीं तो तू रोजे को लग जा यार, ठंडे मजाक ना कर, चुप हो जा. अच्छा अच्छा इजी हो जा. बाबर ये देख, चीज की लेसे देख रहे. यार क्यों अपना और मेरा रोजा खराब कर रहा है? तुझे किसने कहा मेरा रोजा जलील इंसान?
अभी राजा फुटबॉल खेल रहे हैं। अबे नहीं भाई रोजा है। हाँ तो क्या हो गया? अबे नहीं भाई सेरी भी नहीं की आज, मैं नहीं खेल रहा, हिम्मत नहीं है। अबे मैंने तो आज ऐसी टाइट सेरी की है, 3 पराठे 2 कबाब 1 अंडा खजूर 2 गिलास लस्सी 3 गिलास पानी। मैंने पूछा तुझे तो अभी से रोजा लग रहा है। नाज़रीन ये है हन्नान। हन्नान का मानना है कि कायनात का जरा जरा इसका रोजा तोड़ने की जिद्दोजहद में मशगूल है। इसका बस चले तो ये रोजे में सांस लेने को भी मकरूह कह दे। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। जरा बताएंगे आप सबको एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? कि कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है। अच्छा तो वजू कैसे करते हैं फिर? उसी तरह, बस कुल्ली नहीं करता। कौन आपको ये गलत पट्टी पढ़ा रहा है? अस्तगफिरुल्लाह यार, आप हक बात को गलत कह रहे हो, इससे भी रोजा टूट जाता है। आपका रोजा नहीं है क्या? हन्नान का मानना है कि सहरी के बाद पेश करने या कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है। यूं तो आज फजर की नमाज में हन्नान पहली सफ में शरीक हुआ, लेकिन इसकी सांस के तहफ्फुज़ की वजह से तमाम नमाजी इमाम समेत बेहोश हो गए। देखिए आपको गलत हुई है भाई जान, क्या हो गया आपको? इसे क्या हो गया? लगता है रोजा टूट गया। वैसे तो रोजा अपनी भूख प्यास के साथ साथ अपने नफ्स पर काबू का भी नाम है, लेकिन कभी इफ्तार से पहले शहर के किसी सड़क पर लोगों के तहम्मुल का जायजा लो, खुला तजाद पाओगे। अबे हट ना, अल्लाह के नाम पर दे दे भाई। माफ करो माफ करो। ओ क्या मौत पड़ी है। हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ भाई, थोड़ा तो दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे। ओ कान है यार, माफ करो। ओ हरामखोर, अबे गाली किसको देता है? भारा, मैं कहता हूँ भारा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? भारा भारा मैं कहता हूँ, बाहर निकल। यार आजकल इलाके में इंसान ज्यादा नहीं हो गए? सही बात है यार, अभी सोने का वक्त है और इनकी बंका बांकी शुरू। बंदा सोए तो कैसे सोए? इंतजामिया भी सोई हुई है, कोई हाल नहीं है। महंगाई ने तो ऐसी आग लगाई, समझ ही नहीं आ रही क्या चल रही है। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी आ चलो, इफ्तार में बहुत कम टाइम रह गए। बड़े भी पकड़ों में नमक कम ना करियो, आज खुदा का वास्ते जो मिले चुप करके खा लेना इज्जत से। हर बात को उल्टा जवाब मारती है, औरों की बीवियों को देखा मजाले एक लफ्ज भी निकले मुंह से, एक तू है। बड़े भैया मेरा मीटर शार्ट ना करियो, बहुत तुझे औरों की बीवियां नजर आ रही है, बताऊंगा तुझे। अबे गुस्सा कम कर, तुझे रोजा लग रहा है। रोजा तो तुझे भी लग रहा है। हां वैसे बात तो ठीक है, चल दबीर भी उतार देते। दबीर दबीर इधर आ। नमाज पढ़ी? जी। वहाँ कमरे में क्या कर रहा था? नेटफ्लिक्स। आए? तस्वीर कर रहा था। अम्मी झूठ बोल रहे। अम्मी जाकर किचन में शरबत बना जल्दी। बे यार दोस्तों एक मखलूक ये भी है, ये हर घर में आपको इफ्तार के बाद जमीन पर खुमारी में पड़ी मिलेगी। इसका रमजान में कोई भी कमाल नहीं है। सहरी का सामान इसका भाई लाता है, फजर की नमाज के वक्त ये जानबूझकर गलती से सो जाता है और फिर इफ्तार तक नहीं उठता। इज़्ज़त उठो, बर्तन पहुंचाओ किचन में। जी उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ। सारा दिन फाके काटता है और रोजे के नाम पर सोता रहता है और इफ्तार के बाद खाने से गनूदगी का बहाना बनाकर मदहोश रहता है। गोया पूरा रमजान इस शख्स का लेट कर ही गुजरता है। आज इफ्तार में जूस ठंडा नहीं था वैसे, कल से खुद बनाना। इफ्तार में हाथ भी नहीं बटाता किसी का। अम्मी चाय बना रही हैं। नाज़रीन इन जैसों का कोई हाल नहीं, ये मफलूज अफराद आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। इन्हें जहां भी पाएं रिहैब सेंटर में जमा कराएं। हाल है, लेकिन अगर अम्मी के साथ जाकर ईद की शॉपिंग करनी पड़ भी जाए तो वो भी कोई आजमाइश से कम नहीं है। 2,500 भाई जी, 2,000 फाइनल है। अरे भैया कहाँ से 2,000, मैं हर बार लेकर जाती हूँ, क्या हो गया थे? भाई जी क्यों से लेकर जाते हैं, हमने दुकान ही अभी पिछला हफ्ता खोला है। अम्मी खरीदने वाली बात करें। तू चुप रहा। चलो 1900 फाइनल है। अरे नहीं भैया रहने दे, चल अभी। अम्मी अब ले भी ले, ऐसे तो होगी ईद की शॉपिंग। अच्छा अच्छा भाई जी बात तो सुनो। अरे ये नहीं चाहिए, लेना ही नहीं है। अच्छा अच्छा 1,000 फाइनल, आजो आजो 800। और भाई जी हमको क्या बचेगा इसमें? 800 को देना तो ठीक है। अच्छा ठीक है दियो, चले अब घर चले। अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है।
इस वीडियो के जरिए मैंने दो एग्जाम के रोजेदारों को स्पेशल खराज तहसीन पेश करना है। एक वो जो रमजान में काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर हैं और अपने घर की इफ्तार और सहर से महरूम हैं, और दूसरा सलाम मेरा तमाम उन खवातीन को जो रमजान में ना सिर्फ अपने रोजे रखती हैं बल्कि साथ साथ पूरे घर को भी रोजे रखवाती हैं। सबसे पहले उठकर सहरी का इंतजाम करना और फिर सबसे आखिर में खुद खाना और पूरा दिन इफ्तार के अहतमाम में लगा देना, असल अजर तो ऐसे रोजों का है। जाने से पहले मेरा छोटा सा पैगाम ये कि महंगाई के सबब हम में से अक्सर के हालात सख्त हैं, तो अपने इर्द गिर्द गौर करें और जरूरतमंदों के काम आए, क्योंकि वो रमजान ही क्या जिसमें एक दूसरे का एहसास ना हो। रमजान के टॉपिक पर पिछली दो वीडियोस में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखे। मेरी तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए शहरम को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। इनका जो स्टार्टिंग में वो डीविल वाला दिखाया था, गॉड आई लाइक उनका जो प्रेजेंट करने का वे है, अपने सारे थॉट्स और आइडियाज और छोटी छोटी चीजें। अभी ये हॉक का तो ठीक है, मतलब ये जितना ट्रैफिक एंड ऑल दिखा रहे थे। सो मैं और वन ऑफ माई फ्रेंड, हम लोग लास्ट वीकेंड फ्राइडे को वी थॉट कि चलो आज नाइट मारते हैं और आज बॉम्बे के पूरे सड़कों पे ऐसे ही घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या है। प्लस अभी रमजान चल रहा है तो काफी कुछ खुला रहता है रात भर, तो हम लोग इतनी सारी जगहों पे गए। वन ऑफ इट वॉज मोहम्मद अली रोड जो बहुत फेमस है। अच्छा, तो बिलीव नहीं करेगी, हम लोग मतलब एक पूरी रात घूम ही रहे थे, तो बेसिकली रात के एक से तीन उस साइड हम लोग ज्यादा घूम रहे थे। तो इतनी क्राउड, इतनी भीड़, मतलब पता है एट टाइम्स है ना, और ऐसे चला था तो आराम से चल, मतलब एक तो मेरी हाइट बहुत छोटी है ना और सब ऐसे लंबे लंबे, मतलब मैं ना एट टाइम्स नॉर्मली ना वीडियो भी ले लेती हूं ऐसे, तो है ना काफी बार तो ऐसा लगा लोगों का सिर्फ आप, मतलब इतना पार्ट है ऊपर आ रही ना, क्योंकि लोग इतने ऐसा लगा तो मैं कोई बच्ची ऐसे मेले में घूम गई हूँ। लेकिन ना मतलब जो क्रेज होता है, लोग जो शहर के पल इतना खाते वाते हैं अलग अलग चीजें, ओ गॉड इतने मिल्क शेक्स, पता नहीं आई थिंक बहुत हेल्दी एंड ऑल भी होते होंगे, लेकिन हर हैवी भी हो जाते हैं। हाँ, तो मे बी उस टाइम सहरी के टाइम इसलिए लोग ज्यादा खाते होंगे। इतनी अलग अलग चीजें, इतने अलग अलग टाइप की चीजें, हमने नॉर्मली खाना तो ज्यादा कुछ खाया नहीं था, लेकिन हमने इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स हमने ट्राई किए। हमने मैंगो के अलग अलग टाइप के होते हैं, अरे बाप रे। फिर एक कोई मोहम्मद नहीं मोहब्बत मोहब्बत भूल गई, उसके अंदर बेसिकली मिल्क का होता है एंड उसके अंदर ना वाटरमेलन के पीसेस होते हैं, इट्स वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। हाँ हमने ट्राई किया, वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, इतना लाइट था और इतना टेस्टी था। तो एक्चुअली मतलब यू नो, क्योंकि जो लोग जिनका रमजान होता है वो मतलब जो रोजा रखते हैं वो तो रोज रात को बाहर निकलते होंगे कि यू नो अब तो सहरी का टाइम, ये टाइम, वो टाइम, कोई ना पार्टी का अलग होता है ना, रात को कोई नहीं है रोड पे, सिर्फ ये कुछ दुकानें हैं और हम कुछ खाने वाले हैं, बहुत मुश्किल से कोई एक्स्ट्रास दिखते हैं इतनी रात को, तो एक अलग ही पूरा फील ही कुछ अलग रहता है। ऐसे टाइम पे रमजान के टाइम पे तो कितना मैक्सिमम सब कुछ खुला रहता है उस टाइम पे पूरी रात को, तो आई थिंक। और वहां पे मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम्स हो मोहम्मद अली रोड में, उतने ही हिंदूज भी थे, मतलब उतने ही डिफरेंट लोग थे, क्योंकि आई थिंक वो एक क्रेज होता है पता है जगह को देखने का, भीड़ को देखने का, इट्स लाइक वाह ओके रमजान में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इतनी अलग अलग टाइप की चीजें, लोग पता है पूरी की पूरी फैमिलीज लेके घूम रहे, लाइक छोटे छोटे बच्चे, एवरीबॉडी, वो एक अलग पिकनिक स्पॉट लगा था, ऐसा लगा था लोग चिल कर रहे हैं कि ठीक है सहरी का टाइम यहाँ तक है, वो आराम से चिल कर, चाय के लिए भी उतरते हैं रमजान वाले टाइम पे, तो देखना कितना भीड़ रहता है सिर्फ चाय वाली जगह पे, वहाँ पे सिर्फ चाय वाला एक शॉप है, वहाँ पे इतनी भीड़, तो फिर ऐसे जगह पे तो क्रेजी जैसा रहेगा, इतनी पुलिस, इतनी पुलिस, क्योंकि इतनी भीड़ है और तेको पता है सब शॉप्स चालू सब, क्योंकि आई थिंक ईद के टाइम, मतलब ईद की शॉपिंग लोग नॉर्मली रात को ही करते है ना, सब शॉप चालू, तो ऐसा लगा था अलग ही चल रहा है, मतलब इतना मजा आ रहा था, बहुत लेट लेट तक शॉप चालू रहते हैं, आई थिंक 4 बजे तक, इस टाइम पे सब बॉबी और सब 1 बजे तक रहते हैं। हाँ नॉर्मली एक्चुअली वो कहते हैं कि हम तो 3 बजे तक रहते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग सारा अकाउंट्स और सब कर रहे होते हैं, अंदर बैठे रहते हैं ना, वरना फिर 12 वो भी टूवर्ड्स रमजान के एंड में तो ये लोग और लेट तक रहते हैं, बहुत लेट तक, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग पूरे दिन रोजा रखेंगे तो रात को ही बाहर निकलते हैं ये सबके लिए। सो यस, हमने बेसिकली अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया रमजान का, आई थिंक अलग वाइब हो जाता है, रात को बाहर निकलना स्टिल फन, जब रमजान खत्म हो जाता होगा उनको कितना ऐसा लगता होगा कुछ अजीब सा खाली सा कुछ, बट सोच वो लोग का वैसे शेड्यूल भी कितना आगे पीछे हो जाता होगा ना,
मतलब ठीक है जो घर में रहना है जिनको बच्चे हैं उनका तो ठीक है कभी भी सो कभी भी उठो, लेकिन जो वॉकिंग है वो अगर रात को ऑब्वियसली फैमिली के साथ बाहर जाना खाना पीना फिर पूरे दिन काम करना डिफिकल्ट, लेकिन लोग इतने अच्छे स्माइलिंग वे से करते हैं इतना अच्छा लगता है, बहुत चीजें सीखने मिलती है लाइक खुद ही को एक जानने मिलता है कि कैसे क्या लोगों के बिहेवियर्स किस तरीके के है क्या, क्योंकि भूख और देख ना रोजा चढ़ रहा है रोजा किस पे उतारे बुलाते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता हमारे जो डिलीवरी बॉयज है ना छे उनमें से तीन तो मुस्लिम है और एक एक मतलब स्विच होते हैं कभी वो आते हैं कभी दूसरे, तो बेसिकली तीन से चार मुस्लिम्स है, तो अभी के टाइम तो है ना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अरे अभी थैंकफुली मौसम अच्छा है तो मैं हमेशा उनसे ऐसे पूछती रहती हूँ मतलब, बट दे आर सो सोच ना डिलीवरी बॉयज आई थिंक उनका जॉब इतना डिफिकल्ट है रोजा के टाइम कि तुम्हें जगह पे घूम घूम के पिकअप्स करने, लेकिन इतने स्माइलिंग ट्रस्ट मी मैं हमेशा पूछती हूँ अरे रोजा कैसे चल रहा है ये वो, तो दिया लेकिन अरे एकदम मस्त चल रहा है अभी तो मौसम इतना अच्छा है, तो एक इतना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब लोग करते हैं ना देख करना तो सब मतलब इंसान रोके भी करता है हंस के भी करता है, लेकिन जो एक इतना अच्छा हाँ यार मुझे करना है तो मुझे exactly. बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मन से है पूरा आई नो, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखना सच्ची है हमने बहुत बातें करी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन है ना शेरम को एक बार लाइव आके अपना फेस दिखाना चाहिए शेरम, क्योंकि उनका बोलने का वे उनका हर चीज का वे, जैसे इसके भी एंड में वो ऐसे थे कि दो लोग एक तो वो जो बहुत दूर है अपने घर से एक वो जो हमारे लिए रोजे का पूरा करते हैं, और इनका ये सब छोटी छोटी चीजें होती है ना मुझे लगता है इन इस आवाज को एक फेस मिलना चाहिए, आई नो जो रियल फेस दिख जाए अब एक बार ठीक है सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग टाटा टेक केयर सी यू